आज के लेक्चर में हम इंडिया पाकिस्तान रिलेशंस की बात करेंगे। हम इसके बैकग्राउंड, इवोल्यूशन और जो भी एरियाज ऑफ कॉपरेशन है या जो एरियाज ऑफ टेंशन या कॉन्फ्लिक्ट है इंडिया पाकिस्तान रिलेशंस के बीच में, हम उसकी भी चर्चा आज इस लेक्चर में करेंगे। तो एज वी ऑल नो, सिंस इंडिपेंडेंस इन 1947, बोथ कंट्रीज हैव फॉट थ्री मेजर वॉर्स। तो अभी तक हमारे बीच में, भारत और पाकिस्तान के बीच में, तीन महत्वपूर्ण युद्ध हो चुके हैं जब से भारत और पाकिस्तान आजाद हुए हैं, यानी कि 1947 से। वन अनडिक्लेयर्ड वॉर एंड आर इन्वॉल्व इन आर्म्स क्लैशेस एंड मिलिट्री स्टैंड ऑफ्स। तो वॉर तो हुए ही हैं, इसके अलावा हम देखते हैं कि भारत और पाकिस्तान के बीच में कुछ ऐसे जो छोटे मोटे डिस्प्यूट्स हैं या मिलिट्री क्लैशेस हैं, आर्म क्लैशेस हैं, वो भी छोटी मोटी हमेशा चलती ही रहती हैं। द टेरिटोरियल डिस्प्यूट ओवर कश्मीर इज दैट द मेन सेंटर पॉइंट ऑफ दीज कॉन्फ्लिक्ट्स, एक्सेप्ट फॉर इंडो पाकिस्तान वॉर ऑफ 1971 विच रिजल्टेड विद इन द सेसेशन ऑफ ईस्ट पाकिस्तान, दैट इज नाउ बांग्लादेश। तो हम ये भी देखते हैं कि जो भी हम भारत और पाकिस्तान के बीच में युद्ध हुए हैं, लड़ाइयाँ हुई हैं, वो मेनली किस वजह से हुई हैं, भारत और पाकिस्तान की बॉर्डर इश्यूज को लेकर ज्यादातर जो डिस्प्यूट्स हैं या जो वॉर हुए वो हुए हैं। टेरिटोरियल डिस्प्यूट यानी कि जो क्षेत्र को लेकर विवाद होता है वो हुए हैं, लेकिन जो 1971 का वॉर भारत और पाकिस्तान के बीच में हुआ है वो मेनली जो ईस्ट पाकिस्तान, जिसको कि आज हम बांग्लादेश के रूप में जानते हैं, इसकी स्वतंत्रता को लेकर हुआ था। Despite several efforts to enhance the bilateral ties, which were successful in de-escalating tensions to particular extent, the relationship has been hampered by frequent terrorist attacks and ceasefire violations from Pakistani side. तो बहुत सारे ऐसे efforts किए गए हैं कि भारत और पाकिस्तान के जो द्विपक्षीय संबंध है उनको सुधारा जाए, लेकिन इन दोनों के बीच की जो टेंशन है, जो विवाद है, वो बढ़ता ही चला जा रहा है। और ये जो सुधार है संबंधों में, ये कुछ ऐसे कारण हैं जिनकी वजह से सुधार नहीं हो पाया है, और उसका जो मुख्य कारण हमें नजर आता है कि जिस प्रकार से पाकिस्तान आतंकवाद को सपोर्ट करता है, आतंकवाद को मदद देता है भारत के विरुद्ध, इसके कारण भारत और पाकिस्तान के संबंध सुधरना मुश्किल हो रहे हैं। तो सबसे पहले वी आर गोइंग टू सी एवोल्यूशन ऑफ इंडिया पाकिस्तान रिलेशंस। इंडिया पाकिस्तान रिलेशंस फ्रॉम द वेरी बिगनिंग आर मार्क्ड बायलेटरली एंड बट दे आर बेस्ड ऑन म्यूचुअल suspicion. This is often best manifested by frequency of wars both the countries have fought against each other. तो अगर हम भारत और पाकिस्तान के संबंधों के विकास क्रम की ओर देखें, तो हम ये देखते हैं कि दोनों के बीच में ही काफी हद तक अविश्वास और शंका का जो माहौल है वो बना हुआ है, और इसी की वजह से दोनों के बीच में काफी युद्ध हो चुके हैं। तो सबसे पहला जो युद्ध हुआ था भारत और पाकिस्तान के बीच में, वो 1947-48 में लड़ा गया था। दैट इज नोन एज इंडो पाकिस्तानी वॉर ऑफ 1947-48। इट वॉज प्राइमरी ऑफ ऑल द फोर इंडो पाकिस्तान वॉर्स फॉट बिटवीन द टू न्यूली इंडिपेंडेंट नेशंस। तो जितने भी युद्ध लड़े गए उसमें सबसे पहला युद्ध भारत और पाकिस्तान जैसे ही आजाद हुए थे 1947 में, उसी दौरान ये युद्ध हो गया था। दिस वॉर वॉज फॉट बिटवीन दीज नेशंस ओवर द प्रिंसली स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर विच वॉज अंडर द कंट्रोल ऑफ महाराजा हरी सिंह।
apprehensive of invasion from Pakistan, Maharaja Hari Singh made a plea to India for assistance. Assistance was offered by the Indian government reciprocally to his signing an instrument of accession to India. तो ये जो पहला युद्ध भारत और पाकिस्तान के बीच में लड़ा गया था, ये जम्मू और कश्मीर पर किसका नियंत्रण होगा उसको लेकर लड़ा गया था। वहां पर हिंदू राजा थे जिनका नाम था महाराजा हरि सिंह, और महाराजा हरि सिंह ने जब देखा कि पाकिस्तान की आर्मी, पाकिस्तान की जो सेना है, उसने कबालाई के रूप में भारत पर आक्रमण कर दिया है, तो महाराजा हरि सिंह ने भारत सरकार से मदद मांगी और ये उन्हें इस चीज पर मंजूरी भी दी महाराजा हरि सिंह ने कि वो भारत के साथ मिलना चाहते हैं। तो भारत के उनका जो मिलन है या जो उनका इंटीग्रेशन है वो इंडिया के साथ हो गया उसी के साथ। आफ्टर द सीज फायर द मैटर वॉज टेकन टू यूएन वेयर अंडर अ हाई पिच ड्रामा यूएस यूके साइडेड विद पाकिस्तान ड्यू टू देयर जियोपॉलिटिकल कंसिडरेशंस। तो जब एक बार भारत और पाकिस्तान के बीच में 1947-48 का जो वॉर है वो खत्म हुआ और शांति स्थापित हुई, तो ये जो मुद्दा है ये यूनाइटेड नेशंस या संयुक्त राष्ट्र संगठन ले जाया गया, और इसमें जो यूएसए और इंग्लैंड है दोनों ने ही पाकिस्तान की साइड ली। उसका कारण भी काफ़ी हद तक स्पष्ट था क्योंकि हमने आज़ादी के ही बाद से यूएसएसआर की तरफ हमने रुख कर लिया था और पाकिस्तान ने यूएसए की तरफ रुख कर लिया था, तो ये बिल्कुल स्पष्ट था कि अगर भारत और पाकिस्तान के बीच में कोई मुद्दा होगा तो यूएसए और यूके पाकिस्तान का ही साथ देंगे। Thus the war resulted in India securing 2/3 of Kashmir including Kashmir Valley, Jammu and Ladakh। तो इसका जो नतीजा निकला इस युद्ध का, उससे भारत को 2/3 हिस्सा कश्मीर का प्राप्त हुआ, और जिसमें कि उसको कश्मीर वैली मिल गई और कश्मीर की घाटी मिली, जम्मू मिला और लद्दाख का क्षेत्र प्राप्त हो गया। पाकिस्तान कंट्रोल्स रफली 1/3 ऑफ स्टेट कॉलिंग इट एज आजाद कश्मीर, और पाकिस्तान को क्या मिला, 1/3 हिस्सा मिला इस क्षेत्र का, और जिसको कि आज पाकिस्तान में आजाद कश्मीर के रूप में जाना जाता है। जब हम दूसरे युद्ध की तरफ आते हैं, वो तो दूसरा युद्ध लड़ा गया भारत और पाकिस्तान के बीच में 1965 में, तो दैट इज नोन एज इंडो पाकिस्तान वॉर ऑफ 1965, एम्बॉडीड बाय इंडियाज डिफीट इन 1962 साइनो इंडियन वॉर, नेहरूज डिमाइस इन 1964, India's weak economic situation at the time, the perceived weakness of Indian military put the Pakistani military brass and qualitative superiority of Pakistan in military hardware and air power. Pakistan started the war against India to defreeze the Kashmir problem, weaken Indian resolve and drag India to the negotiation table without provoking general war. तो बेसिकली जो भारत और पाकिस्तान का 1965 का युद्ध था, तो पाकिस्तान ने ये सोचा इस बीच में कि भारत चीन के साथ 1962 का जो युद्ध है वो हार चुका है, 1964 में नेहरू की भी मृत्यु हो चुकी है, भारत की इकोनॉमी बहुत अच्छा काम नहीं कर पा रही है, भारत की अर्थव्यवस्था कमजोर पड़ चुकी है, भारत की जो मिलिट्री है, क्योंकि अर्थव्यवस्था कमजोर पड़ी है तो भारत की सेना भी कमजोर पड़ चुकी है, और पाकिस्तान को बहुत ज्यादा अपने आप पर यकीन था कि उसके पास सैन्य व्यवस्था उसकी बहुत अच्छी है, क्योंकि उसको अमेरिका बहुत ज्यादा सपोर्ट कर रहा था उसकी सैन्य व्यवस्था को, तो उसको यकीन हो गया था कि वो आराम से भारत को हरा देगा। तो उसने फिर वापस कश्मीर का मुद्दा छेड़ते हुए भारत पर 1965 में आक्रमण कर दिया।
The Indo-Pak War of 1965 initiated following culmination of skirmishes that happened since April 1965 in Sir Creek region. तो basically जो भारत पाकिस्तान युद्ध था उसका जो initiation था यानी कि उसकी जो शुरुआत हुई थी वो basically भारत और पाकिस्तान के बीच में जो छुटपुट लड़ाइयाँ चल रही थी 1960 अप्रैल 1965 से ही किस क्षेत्र में चल रही थी सर क्रीक क्षेत्र में. सर क्रीक क्षेत्र एक ऐसा क्षेत्र है जो गुजरात के समुद्र के पास है. भारत और पाकिस्तान के बीच में जो समुद्र है गुजरात के पास इस क्षेत्र में लड़ाइयाँ चल रही थी और फाइनली वो जो लड़ाई थी छोटी छोटी लड़ाइयाँ थी वो एक बड़े युद्ध 1965 के भारत पाकिस्तान युद्ध में बदल गया. पाकिस्तान लॉन्च ऑपरेशन जिब्राल्टर टू इन्फिल्ट्रेट फोर्सेस इनटू जम्मू एंड कश्मीर टू हेसन इंसर्जेंसी अगेंस्ट इंडिया. तो 1965 से ही हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान ने जम्मू और कश्मीर क्षेत्र में अपनी जो सेना है उसको भेजना शुरू कर दिया और सेना को वो इस रूप में भेजता था कि भारत का जो जम्मू और कश्मीर का क्षेत्र है उसमें किसी न किसी प्रकार का आतंकवाद फैलाया जा सके. इन सितंबर 1965 पाकिस्तान लॉन्च्ड अ फुल ब्लोन अटैक टू कैप्चर अखनूर एंड बिगन बॉम्बिंग कश्मीर टू ब्रिंग पाक आर्मी अंडर प्रेशर. इंडिया ओपन रिप्लेसमेंट फ्रंट इन पंजाब. तो जब 1965 का युद्ध सितंबर 1965 में लड़ा जा रहा था तो पाकिस्तान ने जम्मू और कश्मीर का एक क्षेत्र है अखनूर जो कि भारत में पड़ता है उसमें बहुत ज़्यादा बम गिराने शुरू कर दिए. तो भारत ने भी अपनी चाल चली और पाकिस्तान की जो आर्मी अखनूर में बहुत ज़्यादा बमबारी कर रही थी उसका ध्यान बटाने के लिए भारत ने अपना जो पंजाब वाला क्षेत्र है वहाँ से पाकिस्तान पर आक्रमण शुरू कर दिया और इस तरीके से वो पाकिस्तानी सेना को जम्मू और कश्मीर से हटाने में सफल हो गया. इंडिया लॉन्च्ड अ फुल स्केल मिलिट्री रिस्पॉन्स ऑन पाकिस्तान. दिस रिजल्टेड इन थाउजेंड्स ऑफ कैजुअलिटीज ऑन ईच साइड एंड विटनेस्ड एन इम्पॉर्टेंट एंगेजमेंट ऑफ आर्मर्ड व्हीकल्स एंड दस द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टैंक बैटल सिंस वॉर सेकेंड. तो भारत ने पूरी तरीके से अपना जोर लगा दिया अपनी सेना को जुटाकर उसने पाकिस्तान के विरुद्ध पूरा जोर लगाते हुए भारत ने जो टैंक्स थे उनको डिप्लॉय किया उनको बॉर्डर्स पे लगाया भारत और पाकिस्तान की सीमाओं पे अपने टैंक्स को लगाया और इन टैंक्स की ही मदद से जो भारत था वो पाकिस्तान को हराने में बहुत ज़्यादा सफल हो गया. और बेसिकली अगर हम देखें तो ये जो युद्ध था बहुत ज़्यादा टैंक्स द्वारा लड़ा गया युद्ध था. इससे पहले वर्ल्ड वॉर सेकेंड में ही टैंक्स का इतना ज़्यादा उपयोग हुआ था नहीं तो उसके बाद भारत और पाकिस्तान के इंडियन 1965 के युद्ध में ही टैंक का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया गया था. The war halted after an UN-mandated ceasefire was declared following diplomatic intervention by the USSR and thus the US and so the following issuance of the Tashkent Declaration. Better war planning by the leadership, quick deployment of forces and better use of resources available its disposal led to military इंडियन मिलिट्री सक्सेस. तो ये जो भारत और पाकिस्तान का 1965 का युद्ध था ये यूनाइटेड नेशंस तक इसकी जो खबर थी या इसका जो इम्पैक्ट था वो यूनाइटेड नेशंस तक पहुंचा और यूनाइटेड नेशंस ने दोनों के लिए ज़रूरी कर दिया कि आप दोनों शांति बना के रखें और शांति स्थापित करें. और उसके बाद यूएसएसआर ने अपना एक सोवियत रूस ने अपना
एक फ्रेंडली हथियार फेंकते हुए उसने कहा कि हम दोनों के बीच में समझौता कराएंगे और इस तरीके से भारत और पाकिस्तान के बीच में सोवियत संघ में ताशकंद समझौता हस्ताक्षरित हुआ। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि शास्त्री जी उस समय भारत के प्रधानमंत्री थे, तो शास्त्री जी ने किस प्रकार से इस युद्ध में अपनी लीडरशिप दिखाई, अपना नेतृत्व दिखाया। ये बहुत बड़ी बात थी कि शास्त्री जी बहुत अच्छे नेतृत्व के साथ सामने आए और उनके नेतृत्व के ही कारण और हमारी जो मिलिट्री थी, इंडियन मिलिट्री जिस प्रकार से टैंक्स में लड़ी उसके कारण भारत ये युद्ध जीत सका। तो आज हम यहाँ तक पढ़ेंगे, इसके बाद हम भारत पाकिस्तान युद्ध 1971 से शुरू करेंगे। धन्यवाद।